हरदा एमपी में 6 अक्टूबर को उद्योग नगरी ट्रेन से खुदकुशी मामले में सुसाइड नोट में हुआ खुलासा। आरोपी ब्लैकमेलिंग कर करता था प्रताड़ित। मानपुरा में हरदा पुलिस पहुंची, प्रशासन ने की कार्यवाही। दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चढ़ाकर हटाया अतिक्रमण। 6 अक्टूबर को हरदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात्रि करीब 7:45 पर मुंबई की ओर से जाने वाली उद्योग नगरी एक्सप्रेस के सामने कूद कर एक 27 वर्षीय युवती ने आत्महत्या ली थी। मामले की जांच में युवती के पास से एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट में प्रेम प्रसंग एवं ब्लैकमेल करने का मामला उजागर हुआ था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर और हिंदूवादी संगठनों के दबाव के चलते मामले में तत्परता दिखाते हुए 306, 384, 506 और 376 के तहत मामला दर्ज कर एक आरोपी सजिद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये अतिरिक्त निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी और उसके अंतर्गत ही नगर पालिका द्वारा एक रूटीन कार्रवाई की गई, जिसमें अतिरिक्त निर्माण था वो आज हटाया गया है। तो मकान किसका था? मकान एक नफीसा बी के नाम पर था, एक और ये यूनुस के नाम पर था, जिनका ये होटला और ये थोड़ा सा बाहर था, इनको हमने रूटीन कार्रवाई के अंतर्गत हटाया है। सर कितना फीट अतिक्रमण? ये लगभग 3 फीट तो हमने नीचे होटला हटाया है और ऊपर जो छज्जा था करीब 1 फीट वो भी हटाया हमने। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।